में जिस तरह से आज ईडी फिर से एक्टिव है, आपके कैबिनेट के साथ ही उनके क्लोज एसोसिएट्स पे ये सर्च हुआ है, सुबह से जारी है सर, इस तरह से देख रहे हैं मिथिलेश जी मंत्री उनके पीएफ पर उनके भाई के अगेंस्ट? नहीं देखिए, ये सारी चीजें जो है वो कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित है। आगामी विधानसभा चुनाव को दृष्टिगत करते हुए इस तरह की चीजें हो रही हैं, और मैं समझता हूं कि इससे भारतीय जनता पार्टी का कोई नफा होने वाला नहीं है। जुल्म तो जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून तो खून है, टपकता है जम जाता है। जितना जुल्म होगा उतना हम मजबूत होंगे, और जितना जुल्म अत्याचार हमारे ऊपर होगा उतना झारखंड के लोग देख रहे हैं। आने वाले चुनाव में झारखंड की जनता मालिक है, उनको तय करना है कि कौन सही है कौन गलत है। इसी तरीके से मुख्यमंत्री जी को भी जेल भेजा गया था अकारण। बाद में माननीय उच्च न्यायालय ने जिन जमानत में जिन बातों को उल्लेखित किया था, ये सर्व विदित है। तो जो हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ना झुके हैं ना झुकेंगे, डट के लड़े थे डट के लड़ेंगे। मंत्री जी कह रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री जी योजना दे रहे हैं उसका आप लोग बंद बात कर रहे हैं। अब देखिए, अब सदाचारी बनने के लिए तो भारतीय जनता पार्टी में जाना होगा, क्योंकि सदाचारी बनने का तो सर्टिफिकेट वहीं पर है। अजीत पवार जी कितना हजार करोड़ रुपया खाक होकर बैठ गए, कोई पूछने वाला नहीं। छगन भुजबल खा के बैठ गए, कोई पूछने वाला नहीं। हेमंत विश्व शर्मा जो है वो अपने इतना तीन तेरह किए, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। तो बीजेपी में जाना होगा सदाचारी बनने के लिए। और कुछ सर।